37 नए चेहरों के साथ बीजेपी ने खेला मास्टर स्ट्रोक। 60% सीटों पर बदल गए प्रत्याशी। सत्ता की नाराजगी का तोड़ निकाला। नए चेहरों के जरिए बिछाई हिसाब। सभी कर्णों के हिसाब से दी गई टिकट। नाराजगी को दूर करने की सफल रणनीति। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बीजेपी ने पहली सूची में घोषित किए गए 67 प्रत्याशियों में से 60% नए चेहरे चुनावी दंगल में उतार दिए हैं। बीजेपी ने 10 साल की सरकार के प्रति फैली नेगेटिविटी को खत्म करने का कारगर रास्ता निकाल लिया है। बीजेपी ने हर सीट के समीकरणों को खंगालने के बाद प्रत्याशियों का चयन फाइनल किया। बीजेपी ने सबसे पहले सूची जारी करके जहां विरोधी पार्टीज के लिए बड़ी चुनौती खड़ी की, वहीं जनता में भी पॉजिटिव मैसेज देने का काम किया। बीजेपी ने 3 पूर्व मंत्रियों और 9 विधायकों के टिकट काट कर ये संकेत दे दिया है कि जिन विधायकों और पूर्व प्रत्याशियों के खिलाफ जनता में नाराजगी का माहौल था, उन्हें साइड लाइन कर दिया गया है और उन सीटों पर नए चेहरों को टिकट देकर पॉजिटिव माहौल बनाने का दांव खेला गया है। बीजेपी के रणनीतिकार बाखूबी जानते हैं कि तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कुछ नया करना बेहद जरूरी है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने 60% से ज्यादा पुराने चेहरों को बदलने की हिम्मत दिखाई। बीजेपी ने पूरा होमवर्क करने के बाद हारने की आशंका वाले नेताओं के टिकट काट दिए हैं। भाजपा पूरी कैलकुलेशन के साथ मैदान में उतरी और इसलिए उसने आधे से ज्यादा पुराने प्रत्याशियों को मैदान से हटा दिया है। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए बीजेपी ने इतने बड़े पैमाने पर पुराने प्रत्याशियों और विधायकों के टिकट काटने का काम किया है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ही थी कि वो जनता की नाराजगी दूर कैसे करे और कमजोर विधायकों और नेताओं के टिकट काटने के लिए मजबूत विकल्प कैसे तलाशे। बीजेपी ने माहौल को पूरी तरह से खंगालने के बाद हर सीट पर समीकरण के हिसाब से प्रत्याशियों का चयन किया है। बीजेपी के मजबूत प्रत्याशियों से अब विरोधी पार्टी कांग्रेस के लिए भी चुनौती काफी तगड़ी हो गई है, क्योंकि बाजी पलटने के लिए उसे और भी ज्यादा मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारने होंगी, जो फिलहाल मुश्किल का काम नजर आ रहा है। बीजेपी की पहली लिस्ट जनता की उम्मीद पर खरी उतरी और इसलिए उसके तीसरी बार सत्ता में कायम रहने के प्रबल आसार बन गए हैं।